मैं इस समय जम्मू प्रेस क्लब के बाहर हूँ और मेरे साथ ये करगिल और लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टेटहुड के साथ ही सिख शेड्यूल को लागू करने की भी डिमांड कर रहे हैं। जम्मू में तो जम्मू कश्मीर में लगातार स्टेटहुड की तो डिमांड चल ही रही है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब लद्दाख में भी स्टेटहुड की डिमांड उठना शुरू हो गई है। लद्दाख अब यूटी बना था, सब ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया था, उससे खुश भी थे। लेकिन अब आप लोग स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है जो लद्दाख की, लेक करगिल की, वो आपके इस पूरे डिमांड के साथ है? और क्या लगता है कि अभी जिस तरह से यूटी मिली है, यूटी का भी जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे धीरे धीरे करके लागू किया जा रहा है, तो इस बीच आप स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, तो इसको लेकर कितनी पॉजिटिविटी आपको अपनी सोसाइटी में दिख रही है? पॉजिटिविटी आप क्या बताएं सर, क्योंकि हमारे यूटी मिलके हमें लद्दाख में 4 साल होने को है और हमारा जो डिमांड्स है वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। हमारे लद्दाख के लोग बहुत ही अपसेट है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है। और हम यहाँ पे आज इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे जो लद्दाख में लैंड सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी, इन सब पे आवाज़ उठाने को हम ले और करगिल दोनों मिल के आज यहाँ पे आवाज़ उठाने को आए हैं। आपने ये पोस्टर बनाया, इसमें क्या क्या कुछ लिखा है, क्योंकि इसको लैंग्वेज में, आपकी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसमें क्या कुछ लिखा है? इसमें हमारे लद्दाख के जो 4 डिमांड्स है उस पे लिखा हुआ है। इसमें हमारे जो सिक्स शेड्यूल है, स्टेटहुड है, उसका डिमांड पे लिखा हुआ है। और हमारे जो सिक्स शेड्यूल के बारे में जो डिमांड्स है, सिक्स शेड्यूल का, उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। और साथ ही में और हमारे लेह और करगिल दोनों को लोकसभा में हमारे सीट रिजर्वेशन होना चाहिए उस पे है। और लास्ट हमारे जो लद्दाख के जो अनएम्प्लॉयमेंट्स है उसके बारे में लिखा हुआ है, उनका जो जॉब सिक्योरिटी है उसके बारे में लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए और लैंड सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि लगातार काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है जो लेह में हो रही है, लेह लद्दाख में हो रही है, तो क्या इसमें क्या लगता है, जो आप कह रहे हैं अनएम्प्लॉयड यूथ है, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि टूरिज्म फुटफॉल इतना ज़्यादा रहता है कि वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो किस सेक्टर में आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटीज़ रहनी चाहिए, या फिर किस तरह की जॉब्स वहाँ आनी चाहिए जिससे लोकल को जो है वो जॉब्स वहाँ पर उनके लिए जॉब जनरेशन की जा सके? हमारे वहाँ पे सिर्फ जॉब नहीं निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आउटसोर्सिंग ही हो रहा है। वहाँ पे हमारे वहाँ पे जो जॉब निकाला हुआ है रिसेंटली, उस वो भी नॉन गेजेटेड जॉब, उसमें भी बहुत सारे दिक्कतें हमें झेलनी पड़ रही है। और गेजेटेड जो जॉब्स है उसका तो अभी नाम भी, मतलब उन लोगों ने सिर्फ खाली में प्रॉमिस किया हुआ है कि गेजेटेड पोस्ट निकालेंगे। अब 3-4 साल हो चुका है, हमें अभी भी ये इसको हमारा लद्दाख में अलग से ये जो जॉब का सिलेक्शन बोर्ड्स अभी भी तक नहीं बना हुआ है, तो बहुत दुखी की बात है। और हम यहाँ पे पीए लद्दाख में जो लद्दाख पीएससी है उसके लिए डिमांड करने के लिए आया, और जल्द से जल्द जो गेजेटेड पोस्ट है सारा हमें मतलब मिलना चाहिए। करगिल, हाँ मैं करगिल से भी, ये कुछ लोग हैं हमारे साथ करगिल, क्योंकि अगर हम कहें कि द्रास सबसे ठंडा इलाका रहता है, तो इस समय बहुत सारे लोग द्रास करगिल के जम्मू आए रहते हैं। आप करगिल से हैं, आपसे ले से हो, अब मैं आप करगिल से मैंने पहले आपसे बात करना चाहूँगा। करगिल की भी लगातार जब क्या है कि यूटी बना था, उसके बाद कई सारे हमने प्रोटेस्ट देखे थे वहाँ पर, इसके गेस्ट हुए थे, स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं आपकी, हमें अलग स्टेट मिलनी चाहिए, तो पैरेलली करगिल और लद्दाख में इस पूरे डिमांड को लेकर आप जॉइंटली कोलैब कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देखा जाता करगिल में अलग प्रदर्शन हो रहे थे और ले वाले उसको कहीं ना कहीं अपोज कर रहे होते। तो ये बात सही है कि हाल हमने करगिल में भला सही, हम यूटी के फेवर में नहीं थे, हम अगेनेस्ट थे, हमने इसके पास प्रोटेस्ट भी वहाँ हुआ था, पर लेकिन वो होते हैं ना, जब पूरा किसी अगर कौम की बात करें, जब कौम पे अगर तकलीफ़ हो तो हम जाके बेहतर है, हम सब एक एग्रीमेंट, एक मसला हल करने के सब एक जगह बात किया। लह में भी गया था, मैं बींग स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में, तो हम जानते हैं उसमें शरीक हुआ हर मीटिंग में, तो हमने किया कि भाई देखो हम क्या करेंगे, हम एक कलेक्टिवली करेंगे और बात मुद्दा बातचीत करके हमने एक हल निकाला था कि हम ये वाला रखेंगे, अब सब एक हो गया, माना था हमें दिया है, अब जब यूटी दिया है तो हमें कोई ऐसा यूटी में जो थोड़ा हमारे फ़ायदे में, हित में हो। और एक चीज़ मैं आपको पहले जो आप सवाल पूछे उसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, अब देखिए जो आपने पूछा था कि टूरिज़्म को लेकर जो कश्मीर लद्दाख में जो डेवलपमेंट्स हो रहा है उसको लेकर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो टूरिज़्म है वो हमारे लिए 12 मंथ के लिए नहीं है, वहाँ पर अब देखो मार्च से हमारा रास्ता खुलेंगे, अप्रैल मई में यहाँ आना स्टार्ट होते हैं, जून जुलाई अगस्त में सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको भी पता है कि लद्दाख हमारा 6 मंथ कट ऑफ रहता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, वहाँ कट ऑफ रहता है। तो अब देखिए छः हमारे जो मैक्सिमम जो लद्दाखी है वो हमारे गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड करता है, वहाँ पर कोई हमारे लिए कोई इंडस्ट्रीज से या कोई हमारे वहाँ तो वो चलता नहीं, अब मेन जो हमारा वो रोजगार वही गवर्नमेंट से चलता है।
जो टूरिज्म, हर कोई तो टूरिज्म सेक्टर में जा नहीं सकते, हर कोई तो इंडस्ट्री लगा नहीं सकते, है ना, तो उनके लिए इतना फैसिलिटीज़ भी नहीं, इतना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। हाँ बेशक कुछ कुछ जगहों पर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन डेवलपमेंट हम एक प्रैक्टिकली नहीं देख रहे। चलो आप कर रहे हो, पैसा ला रहे हो, पे दे रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल हम इन चीज़ों में कुछ देखने को नहीं मिला। एंड स्पेशली वी द यूथ, पिछले 3 साल से हम जॉब के लिए तरस रहे हैं। आउटसोर्सिंग के नाम पर आप बाहर वालों को यहाँ ले रहा हो, आउटसोर्सिंग के नाम पे ना बहुत सारे बाहर लोगों को यूनिवर्सिटी में देखो, आप जॉब रिजर्वेशन की बात करते हो, हम यहाँ पे मजबूर हैं, रिक्रूटमेंट होते थे वो भी बंद कर दिया, तो आप अग्नि पता है, तो हमें वहाँ पे जो लद्दाख में मोस्टली जो जवान होते हैं वो लोग वहीं पे मतलब डिपेंड्स, मोस्टली जो लद्दाख में है वो उस पर डिपेंड होते थे। अब ये आर्मी वाला रिक्रूटमेंट भी खत्म हो गया, तो अब हम लद्दाख के लोग बहुत लाचार हो चुके हैं सर। मतलब जैसे लद्दाख का अपना एक कहते हैं लद्दाख स्काउट्स था जैसे, उसमें बड़े सारे हाँ यूथ, तो अभी भी हमने देखा कि अग्निवीर के कई सारे लोगों ने उसमें किया है अप्लाई, तो लद्दाख से क्या लगता है कितने लोग नहीं जा पाए इतना, या फिर अभी वहाँ पे हुआ नहीं, शुरुआत नहीं हुई उसकी? या देखो आप कहीं जॉब नहीं मिला तो अग्निवीर भी अब मजबूरी है, कुछ तो करना पड़ेंगे, जॉब का तो कुछ मिल नहीं रहा, वो मैंने आपको जो एडवर्टाइज़ कर नहीं रहा, और जो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं वो तो आप एक उसको सिलेक्शन करने में या प्रोसेस को लगा कि आप 1.5 से 2.5 साल लगा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा। मैं कहा SSC की एग्जाम्पल दो ना, 1.5 साल लग रहा है, कम से कम 6-7-8 महीने हो रहे हैं, बिल्कुल अभी तो कुछ पता ही नहीं है। लद्दाख बनने UT बनने के बाद पहले उन्होंने एडवर्टाइज़ किया था SSC के थ्रू, अभी तक तो ना पेंडिंग में है, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा मैं ये चीज़ बताओ कि बड़े सारे बच्चे जो हैं वो चंडीगढ़, जम्मू, दिल्ली वहाँ पढ़ते हैं, तो एजुकेशन के लेवल पे क्योंकि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहाँ पे खड़े हो रहे हैं, एजुकेशन का भी कह रहे थे कि वहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी, कॉलेजेस बढ़ाए जाएंगे, तो उसको लेकर स्टूडेंट्स का क्या, उनको क्या दिख रहा है, क्या कि कुछ हो रहा है या अभी वाकई बच्चों को सबको वहाँ से बाहर ही जाके पढ़ना पड़ रहा है? हाँ अभी तो खाली वो ये कह रहे हैं कि हमने 5,000 करोड़ लद्दाख के लिए लाए हैं, हम मेडिकल कॉलेज देंगे या लद्दाख यूनिवर्सिटी बनाएंगे। लद्दाख यूनिवर्सिटी तो बना है, लेकिन जो पहले जो हमारा जो कश्मीर यूनिवर्सिटी उसी को उसी के नाम को बदल कर लद्दाख यूनिवर्सिटी रखा गया है, उसमें इतना ग्रीवेंसेस था कि बच्चों का रिजल्ट जो है वो टाइम पे नहीं निकलता था, उनका एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता था, एक एक साल एक सेमिस्टर के लिए होता था। तो हमारे वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन और भी है जो एक CIBS बोल के एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे बुद्धिस्ट का है, तो इन सभी में अभी तक ना VC है, CIBS में अभी तक ना VC एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं है जो हमारे जो बच्चों के डिग्री को साइन करे, तो ऐसा हालात है UT मिलने के बाद भी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे जो हमारे जो लीडर जो है और जो हमारे गवर्नमेंट जो BJP गवर्नमेंट जो है वो ऐसे बच्चों को गुमराह ना करे। ये अभी UT मिलने के बाद 4 साल हो रहे हो, 4 साल एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ना इंसाफी की बात है, क्योंकि उन्होंने 2 साल का रिजर्वेशन दिया था, लेकिन हमारा 4 साल हो रहा है, अभी 4 साल हो रहे हैं, अभी तक ना स्टेटहुड दिया, ना 6th शेड्यूल दिया, ना अभी जॉब निकल रहे हैं, खाली एडवर्टाइज कर रहे हैं वो लोग, एडवर्टाइज कर रहे हैं, और अभी किसी एक दो डिपार्टमेंट में अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट भी निकले, लेकिन उसमें अभी तक एक बंदा भी भर्ती नहीं हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ब्यूरोक्रेटिक रूल जो है वो लद्दाख में चल रहे हैं, तो इसको नज़रअंदाज ना करें, जो हमारा जो 4 जो डिमांड है उसको नज़रअंदाज ना करें, और जो MHA ने जो अभी फ़िलहाल कमेटी बनाया गया है उसमें लिखा तो है कि लद्दाख को हम इम्पावर करेंगे, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इन्हीं जो ले के जो एपेक्स बॉडी है और जो कारगिल के जो KD है उन्हीं से बात करेंगे। तो उन्होंने जो डिमांड रखा है, जो हमने जो 4 पॉइंट जो डिमांड रखे हैं वो तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो सुनने के लिए तैयार होते तो उसको चेंज करते, जो थीम में जो है हमारा जो ये जो 4 डिमांड है उसको रखें और हमें बातचीत करने के लिए बुलाएं, हम यही चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने सुना इन्होंने कहा कि स्टेटहुड और 6th शेड्यूल जो है वो लागू करने के लिए PSC है वो भी वहाँ पे बनाई जाए ताकि जो जॉब्स हैं वो निकल सकें। केंद्र कई सारी जो तस्वीर है वो लद्दाख की जो वो इस समय दुनिया के सामने रख रहा है, भारतवासियों के सामने रख रहा है, और वहाँ पर देखा भी जिस तरह से स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद जिस तरह से आर्मी डिप्लॉयमेंट हुई, और ख़ासतौर पर टूरिज़्म गर्मियों में काफ़ी पीक पर रहता है, लेकिन इनका यही कहना है कि 6 महीने बंद रहता है और हर कोई जो है वो टूरिज़्म से जुड़ा नहीं हुआ है, तो आप सरकारी नौकरियाँ नहीं निकालेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरियों से ही उनका तल्लुक है, तो वो नहीं निकलेंगी तो कहाँ जाएगा। और जो वायदे किए गए थे, और अब लगभग UT बने हुए 4 साल हो रहे हैं, तो आपको जो वायदे आपने किए थे पहले उन्हें तो फुलफ़िल कीजिए, फिर आप आगे की डिमांड्स हैं वो भी ये लोग लगातार अपने हिसाब से वो रखते रहेंगे, लेकिन डिमांड अब लेह लद्दाख में भी स्टेटहुड को लेकर और 6th शेड्यूल को लेकर आना शुरू हो गई है।